Check. Okay, welcome everybody to the third lecture of gravitation. आज ये तीसरी क्लास है और इससे पहले हमने ग्रेविटेशन के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें सीखी हैं कि अगर एक अर्थ है या फिर कोई भी सॉलिड स्फीयर है या फिर कोई भी मास है, ग्रेविटेशन की प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज के पास उसकी मास की वजह से. जैसे ये एक मास है तो ये भी दुनिया की हर ऑब्जेक्ट को जिसके पास मास है उसको अट्रैक्ट कर रहा है. लेकिन तुम ये बोलोगे फिर ये खींच क्यों नहीं रहे. मान लो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों के पास मास है तो gmm by r square दोनों के बीच में एक्ट कर रहा होगा, लेकिन वो इतना छोटा gmm by r square है. फॉर एग्जांपल इसका मास है लेट्स से 100 ग्राम, ये माउस का मास भी था 200 ग्राम. तो इनके बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी दैट विल बी gmm by r square. लेट्स से 1 मीटर दूर रखे हुए हैं, सो दिस gmm by r square विल कम आउट टू बी 6.67 into 10 raised to the power minus 17. Okay? Because इसका मास अगर 100 ग्राम है तो तुम इसको ले लोगे minus 2. इसको ले लोगे minus 2. So this will be minus 13 and minus 15. तो ये जो फोर्स आई है, this force is very, 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 very small force. इसलिए हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए ग्रेविटेशन फोर्स को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये जी बहुत छोटा है. तो छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए वी कैन नॉट यूज, इसका सिग्निफिकेंस नहीं है ग्रेविटेशनल लॉ का. तो ग्रेविटेशनल लॉ का सिग्निफिकेंस कहाँ पे आता है, जहां पे बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं. बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स कैसे, जैसे अर्थ है तो बॉल ही, जिस बॉल के साथ हम खेलते हैं इस तरीके की, एक सिंपल सी बॉल ही है अर्थ. लेकिन अब वो पूरे कॉस्मोस में फैली हुई है और वो बॉल बहुत बड़ी है और उसका जो मास है वो इस ऑर्डर का मास है, का मास इतना ज्यादा है कि वो इसको कैंसिल आउट कर देता है, राइट? तो जो भी ये बड़े-बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए हम विल बी यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके? तो पहले लेक्चर में मैंने पढ़ा कि ये फॉर्मूला होता क्या है, gmm by r square. फिर उसके बाद दूसरी वाली क्लास में मैंने देखा कि gmm by r square से किसी भी चीज का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है. जैसे एक अर्थ है तो अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा क्योंकि अर्थ की वजह से कहीं ना कहीं पे अर्थ का फील्ड काम कर रहा होगा कि किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन काम कर रही होगी अर्थ की. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे अर्थ है, इससे कुछ मास होगा तो यहाँ पे एट एनी रैंडम पॉइंट यहाँ पे एक अर्थ का एक फील्ड होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर मास आएगा उसको अर्थ की तरफ खींचा जाएगा. ये क्यों खींचा जा रहा है, अर्थ के फील्ड की वजह से, ठीक है? फिर हमने बात की थी कि ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हो सकते हैं और यहाँ पे जो नेट फील्ड होगा that will be the vector resultant of all the individual fields of these planets. Yes? तो हमने बात की थी कि एक फील्ड होता क्या है कि अगर यहाँ पे एक यूनिट मास रखा हुआ है 1 kg का तो वो जिस एक्सेलरेशन के साथ अर्थ की तरफ पुल होगा उसको हम फील्ड बोलते थे. और वो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या, फोर्स तो मेरे को पता थी जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जी एम एम बाई आर स्क्वायर. अब इस gmm by r square की acceleration कितनी होगी, मुझे पता है force is equal to mass into acceleration. इसका मतलब this acceleration is gm by r square. तो किसी भी जगह पे अगर तुम्हें किसी चीज का फील्ड चेक करना तो तुम क्या करोगे, वो प्लेनेट लोगे और लेट्स से मेरे को यहाँ पे फील्ड चेक करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक 1 kg का मास रख दूंगा, 1 kg का, और मैं देखूंगा ये 1 kg के मास पे कितनी फोर्स लग रही है. That is the field of Earth at this point. और ये distance के हिसाब से change होता रहेगा. अगर ये x distance पे है ये point, तो यहाँ पे अलग field होगा, यहाँ पे अलग field होगा, यहाँ पे अलग field होगा, क्योंकि formula में तुम्हारे नीचे r square है, तो उसके हिसाब से अलग अलग field आएगा, ठीक है? अगर ये 1 kg का object ना होता, यहाँ पे हमारा object होता 7 kg का, तो 7 kg का अगर object होता तो हम क्या करते हैं, ये force को निकाल के उसको mass से divide कर देते. तो जो मेरा बच जाता वो होता जी एम बाय आर स्क्वायर. तो जो फील्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का जो फील्ड होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, कि तुमने कितने किलो वाला मास वहां पे रखा है उससे वो इंडिपेंडेंट होगा. सो फील्ड इज ऑलवेज डिनोटेड बाय जी एम बाय आर स्क्वायर. यस, ये सारी हमने चीजें की पिछली क्लास में. अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दे दूं. अभी तक जो काइनेमैटिक्स में हम सारी चीजें पढ़ रहे थे, काइनेमैटिक्स में मैं बार बार बोल रहा था ना कि यू टेक एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये फील्ड ही है, ये अर्थ का फील्ड ही है। तुम देखो ये अर्थ है, अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है ऑफ मास 5 kg, तो इसको अर्थ यहां पे अंदर की तरफ खींचेगा विद द फोर्स ऑफ जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ये होगी इस पे फोर्स, दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, जी एम बाय आर स्क्वायर, ये इसकी एक्सेलरेशन आ गई। इस एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या बोलते हैं, जी, और इसी को हम बोल रहे हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अर्थ का, यहां पे जो 10 आ गया, जो एग्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड आया या फिर एक्सेलरेशन आई है किसी ऑब्जेक्ट की, वो अर्थ के सरफेस पे आई है। 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा यहां पे होगी जब कोई ऑब्जेक्ट ये सरफेस पे होगा। लेकिन अपनी काइनेमेटिक्स की एग्जांपल में तो हम ऐसा करते नहीं थे, हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते थे, जब वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता था तब भी उस पे एक्सेलरेशन हम कितने लगाते थे, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, तो ये वाली चीज हम क्या करते थे, क्योंकि ये जो रेडियस है दिस इज वेरी लार्ज, दिस रेडियस इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा रेडियस है, और मैंने ऊपर थोड़ा सा फेंक दिया, 4 मीटर ऊपर ऑब्जेक्ट फेंक दिया, तो 4 मीटर फेंकने से ये रेडियस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये रेडियस बहुत बड़ा रेडियस है, दिस इज वेरी बिग देन 4 मीटर। तो ये 4 मीटर रेडियस ऐड करने से हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, या फिर फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ा। यस, फील आ गई होगी तुमको ये चीज। लेकिन अब मैं तुम्हें बोल के देखूं कि ये जो मार्कर है, ठीक है, मैंने इतना ऊपर फेंक दिया कि ये जितना ये रेडियस है अर्थ का, इतना ही ऊपर चला गया, ये यहां पे पहुंच गया। अब बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब भी तुम इसको जी लोगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन तुम्हारी नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा यहां पे एक्सेलरेशन के लिए तुम्हें अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ओके, और यहां पे दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है, दिस आर प्लस आर, 2R, दिस गिव्स मी जी एम बाय 2R स्क्वायर, दैट गिव्स मी 4R स्क्वायर, जी एम बाय 4R स्क्वायर। अब तुम ध्यान से देखो, ये जो टर्म है जी एम बाय आर स्क्वायर, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कहां पे, अर्थ के सरफेस पे, तो दिस गिव्स मी जी बाय 4 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं इस मार्कर को इतना ऊपर फेंक दूं कि ये सेम डिस्टेंस पे चला जाए, जितना डिस्टेंस अर्थ का है, जितना रेडियस है, अगर ये उतनी हाइट पे और चला गया, तो वहां पे दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जितना हम अर्थ से दूर जाते जाएंगे, अर्थ का जो फील्ड है, अर्थ का तुम्हें वापस खींचने की जो शक्ति है, वो कम होती जाएगी, क्योंकि तुम डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो। यही तो हमने बात की थी ना, कि फील्ड जब बढ़ जाएगा तो अर्थ का वो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो जितना हम दूर दूर जाते जाएंगे, अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी, राइट? और एक ऐसा समय भी आएगा जब तुम बहुत दूर निकल गए और अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगी, तब हम बोलते हैं कि तुम अर्थ के फील्ड से बाहर निकल गए। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में ही हमारी आज की क्लास है। हम आज की क्लास में क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड का और डिस्टेंस का। तो ये जो अर्थ है, मुझे एक चीज पता लग गई कि यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड अलग है, ये पॉइंट कहां पे, मान लो इसका रेडियस है आर, ये पॉइंट एक सरफेस पे है, यहां पे एक ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट कर रहा है, फिर यहां पे एक अलग ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट कर रहा है, यहां पे अलग ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट कर रहा है, यहां पे अलग 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 अलग, हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड अलग एक्ट कर रहा है। तो मेरे को एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ किसका बनाना है, ग्रेविटेशनल फील्ड का जो एक्ट कर रही है वर्सेस डिस्टेंस का। ये अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाता जाऊं तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे कैसे वेरी करेगा, हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है,
डिस्टेंस क्या क्या हो सकते हैं? डिस्टेंस, एक तो ऑब्जेक्ट को मैं सरफेस पे रख सकता हूँ, एक मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, बाहर कहीं पे भी रख सकता हूँ। तो अलग अलग जगह पे हम देखेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की। फिर तुम एक और केस सोच के देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम यहां से ऐसे टनल खोद दो, एक यहां से एक टनल बना लो, तुम अर्थ के अंदर एक टनल बना लो और यहां पे रख दो ऑब्जेक्ट को। अर्थ के अंदर एक ऐसे तुमने टनल बना ली, टनल बना के तुमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, या फिर यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो तुम अंदर भी कहीं रख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इसका पूरा बनाएंगे एक ग्राफ। तो देखते हैं हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी अपना ग्राफ यहीं पे बना लेता हूँ, यहाँ पे ये जो मेरा एक्स है वो यहीं से वेरी करेगा, एक्स यहां से। इसको मैं मान रहा हूं ओरिजिन। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, यहां पे बना ले पहले। जब इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये आर डिस्टेंस दूर है। और इस पॉइंट पे व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर व्हाट इज द फील्ड, दिस इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 10। इसका मतलब यहां पे तो जो मेरी वैल्यू आएगी दैट इज 10। ठीक है, यहां पे तो वैल्यू 10 आएगी, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां पे वैल्यू 10 आएगी, सरफेस ऑफ अर्थ है। और इसके बाद जब मैं आगे आगे जाता जाऊंगा तो माय ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर ग्रेविटी विल वर्क विल वेरी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जी एम बाय आर स्क्वायर। मतलब जितना आर बढ़ता जाएगा उतना ग्रेविटेशनल फील्ड कम होता जाएगा, एंड दिस फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². तो इसका ग्राफ हमारा कैसा सा बनेगा, इस तरीके का। ये आगे जाता जाता इंफिनिटी तक पहुंचता पहुंचता बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। ओके, सो ये तो था सिंपल वाली चीज, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अभी जो इंपॉर्टेंट वाली चीज जो हमें करना है, मान लो मैं अर्थ के अंदर घुस गया। अंदर घुसने का मतलब क्या है, मैंने एक टनल ली, ये ड्रिलिंग मशीन होती है ना, जैसे तो तुमने कुछ मूवीज देखी होंगी, उसमें वो ऐसे अर्थ पे जाके किसी और प्लैनेट पे जाके वो ड्रिल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ड्रिलिंग मशीन ली, मैंने अर्थ के अंदर ऐसे पूरा ड्रिल कर दिया, बिल्कुल ऐसे बीचों बीच अर्थ के बीच में ऐसे एक लाइन बना दी और उसके अंदर जाके एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर। अब इस पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट करेगा? अब यहां पे एट दिस पॉइंट व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड दैट इज एक्टिंग, या फिर मैं तुमसे बोलूं कि इस जगह पे वो कितनी एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट। तो ये चीज कैलकुलेट करने के लिए हमें एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इस जगह पे जो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा अर्थ का, वो इस पॉइंट पे, या फिर हम ये बोल सकते हैं इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा ये ऑब्जेक्ट, वो सिर्फ इतने अंदर वाले मास की वजह से होगा, जो सिर्फ अंदर वाले मास की वजह से यहां पे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन महसूस करेगा। तो ये जो बाहर वाला ऑब्जेक्ट है, जो बाहर वाला मास है, इसकी वजह से यहां पे एक्सेलरेशन महसूस नहीं होगी। तो हमें अभी कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट पे जो एक्स डिस्टेंस दूर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। और उसे निकालने का तरीका क्या है, हम वही अपना तरीका अपनाएंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू जी इंटू मास इंटू, अभी डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर, जी इंटू मास इंटू एक्स स्क्वायर। तो मेरा फॉर्मूला यही बन गया, बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है, तुम देखो, क्योंकि हमने अभी ये स्फीयर छोटा कर दिया, क्योंकि अभी ये स्फीयर छोटा कर दिया तो इसका मास भी तो कम हो जाएगा ना। ये पूरे का मास m था, इसका मास था m पूरे अर्थ का, अब हम ले रहे हैं सिर्फ इतना छोटा वाला पार्ट, तो ये छोटे वाले पार्ट का जो मास है
दैट विल नॉट बी एम, तो वो एम से थोड़ा कम होगा, एम से ये मार्क्स कम होगा। तो हमें अभी कैलकुलेट करना है कि ये जो अंदर वाला, ये जो अंदर वाला स्फीयर बच गया जिसका रेडियस है एक्स, इसका मास कितना होगा। ये कैलकुलेट करने के लिए अभी हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी डेंसिटी निकाल लेंगे, हम देख लेंगे कि इस पूरे अर्थ की डेंसिटी क्या है, क्योंकि हमें इस पूरे अर्थ की वॉल्यूम पता है ना, 4/3 πr³, हमें पूरे अर्थ की वॉल्यूम पता है। तो हमें ये पता है कि पूरा मास इसका इतना है, पूरी वॉल्यूम इसकी इतनी है, तो मेरे पूरी डेंसिटी निकाल सकता हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मेरे को पता लग गया पर क्यूबिक मीटर के लिए इसका कितना मास है। ठीक है, मेरे को डेंसिटी पता चल गई। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक क्यूबिक मीटर के लिए तुम्हारा कितना मास है। एक बार मेरे को ये डेंसिटी पता चल गई कि ये एक यूनिट वॉल्यूम के लिए उसका मास कितना है, फिर मैं इसको इतनी सी वॉल्यूम के लिए निकाल सकता हूं बाय मल्टीप्लाइंग विद इसकी वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम इज हाउ मच, 4/3 πx³। ओके, चलो इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक चेस बोर्ड है, तुमने चेस बोर्ड देखा होगा। मान लो मेरे पास एक चेस बोर्ड है, 1 2 3 4, मान लो चेस बोर्ड नहीं है, यही है ठीक है, इसमें 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यहां पे है 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, टोटल कितने बॉक्सेस हो गए, 20 बॉक्सेस हो गए ना। मैं तुम्हें बोलूं कि इस पूरे का जो मास है दैट इज 100 kg, पूरे का मास हो गया 100 kg, तो मेरे को इसका मास निकाल के दिखाओ, ये छोटी वाली प्लेट का मास निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो तुम कैसे मास निकालोगे इसका, छोटी वाली प्लेट का, तुम देख लोगे कि यार पूरे का मास है 100, पूरे का मास है 100 और कितनी प्लेट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, 20 प्लेट्स हैं। इसका मतलब एक प्लेट का मास कितना हो गया, 5, एक प्लेट का मास हो गया 5, और हमें कितनी प्लेट्स चाहिए, 1 2 3 4, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 20, दैट इज द मास ऑफ दिस मच एरिया। समझ में आएगा, क्योंकि हमें पूरे का मास पता था तो हमने डेंसिटी निकाल ली, फिर डेंसिटी निकाल के हमने छोटे वाले ऑब्जेक्ट का मास निकाल लिया। हम एग्जैक्टली सेम चीज यहां पे करेंगे, यहां पे हमें मास निकालना है इसका, ये छोटे वाले स्फीयर का मास निकालना है। तो ये मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मास इज इक्वल टू, पहले मैं डेंसिटी निकाल लूंगा, डेंसिटी इज इक्वल टू ये छोटे वाले का मास है ठीक है, एक्स रेडियस वाले का मास, तो दिस मास इज इक्वल टू पूरे का मास, ये छोटे वाले का मास, अपॉन 4/3 πr³, ये तो होगी डेंसिटी, मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इज व्हाट, 4/3 πx³, हमारा 4/3 π और 4/3 π कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू m/r³ × x³, तो मेरा मास आ गया m/r³ × x³। मैं इसको यहां पे पुट कर देता हूं, मास की वैल्यू को यहां पे, गिव मी अ सेकंड, हेलो, नहीं मैं बात कर देना, तो मैं 10 मिनट कर रहा हूं, ओके। सो मास बाय आर क्यूब इंटू एक्स क्यूब, इसको मैं अगर यहां पे पुट कर दूं, मास बाय r³ × x³, मास बाय r³ × x³, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया ग्रेविटेशनल फील्ड का इनसाइड द स्फीयर। यहां पे मैं x² और x² काट दूंगा, दिस कम्स आउट टू बी gm/r³ × x, gm/r³ × x, इसको अगर तुम एक कॉन्स्टेंट ले लो, दिस इज कॉन्स्टेंट टाइम्स x, मतलब अर्थ के अंदर योर ग्रेविटेशनल फील्ड इज लीनियरली
इज इन अ लीनियर रिलेशनशिप विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो यहां पे अगर एक्स आ गया, एक्स यहां पे कितना है जीरो, तो यहां पे अगर तुम जीरो पुट करोगे यहां पे ग्रेविटेशन कितनी आ जाएगी जीरो. फिर ये एक लीनियर रिलेशनशिप है, ये एक ऐसी लाइन बन जाएगी. और सरफेस पे कितना एक्स 10. ठीक है, तो जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर होगा यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला जीएम बाय आर क्यूब इंटू एक्स. और जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट अर्थ के बाहर होगा हम फॉर्मूला यूज करेंगे जीएम बाय आर स्क्वायर. तो ये तुम्हारा ग्राफ बन के आ गया, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस डिस्टेंस. यहां से तुम्हें एक चीज पता चल रही होगी, यहां से एक तुम्हें फीलिंग आ गई होगी, इस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू सेम है. वैल्यू ऑफ यहां पे चाहे तुम बाहर से अंदर की तरफ जाओ या फिर बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जाओ, इस पॉइंट पे वैल्यू सेम है. इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस पॉइंट को अंदर से देखूं तो यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा जीएम बाय आर क्यूब इंटू, ये डिस्टेंस अंदर से कितना है आर, क्योंकि ये आर डिस्टेंस पे है ना, अर्थ का रेडियस है ये आर, इंटू आर इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर. यही तो बाहर से है जी एम बाय आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्राफ बन गया कि अगर एक सॉलिड स्फीयर है, अब हम अर्थ को छोड़ के एक सॉलिड स्फीयर बोल रहा हूं मैं इसको, कि कोई भी सॉलिड स्फीयर है उसमें अगर तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के बाहर है तो तुम फॉर्मूला यूज करोगे जीएम बाय आर स्क्वायर, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर है तो तुम फॉर्मूला यूज करोगे जीएम बाय आर क्यूब इंटू एक्स. अंदर एक स्ट्रेट लाइन बनती है, बाहर एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बनता है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ. ठीक है जी, ये तो था कि अगर ये एक सॉलिड स्फीयर होता. अब तुम सोच के देखो ये एक हॉलो स्फीयर, ये एक हॉलो स्फीयर है. अगर ये एक हॉलो स्फीयर होता तो जो मास इसका सेम है, ठीक है, मास सेम है और रेडियस भी सेम है आर. अगर ये हॉलो स्फीयर होता तो चेंज कहां कहां पे आती, तो यहां पे जो इसका फील्ड है वो तो सेम ही रहता जीएम बाय आर स्क्वायर, यहां पे भी फील्ड सेम रहता, यहां पे भी फील्ड सेम रहता, ये वाले फील्ड तो सेम ही रहते, इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बनता. लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दूं अंदर, तो अंदर क्या कोई इसका मास है, अंदर इसका मास है जीरो, सारा का सारा मास तो बाहर पड़ा है. तो यहां पे अंदर द ग्रेविटेशनल फील्ड दैट दिस ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस विल बी जीरो. तो हमारे ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, यहां पे फील्ड होगा अंदर जीरो 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 जीरो, फिर यहां पे इट इज अ पैराबोला. ठीक है जी, so these were a few important things about gravitational field, ki hollow sphere aur solid sphere mein hum gravitational field kaise nikalte hain, aur kal ki class mein hum seekhenge gravitational potential, fir uske baad hum seekhenge gravitational potential energy, fir uske baad hum seekhenge escape velocity and a few more things. Theek hai, chalo ji, thank you very much, please watch this video and I'll see you tomorrow 1 p.m.